गिरफ्तारी से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। जो इन्फॉर्मेशन है कुछ ही देर में, यानी 10:30 बजे का वक्त है जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। कल देर रात भी गया था, तब गिरफ्तारी ना हो इसके लिए गई थी आम आदमी पार्टी। विक्रांत यादव हमारे सहयोगी, विक्रांत क्या अपडेट? देखिए पंकज, सुप्रीम कोर्ट में इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता जो है वो बैठे हुए हैं सबसे पहली लाइन में। इसी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट सबसे सामने, अगर मेरे कैमरामैन पंकज तोमर दिखा पाए, हालांकि दूर है बिल्कुल सामने, जिसके बाहर आप वकीलों की भारी भीड़ देख रहे हैं, यही कोर्ट नंबर 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की। और इसी कोर्ट में पहली रो में इस समय वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, सादान फराशाद जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है इस मामले में अरविंद केजरीवाल के, वो बैठे हुए हैं। मेंशनिंग की जाएगी जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे। अभी हालांकि CJI अपनी सीट पर नहीं आए हैं, 3 जजेस की बेंच होगी, उसके सामने मेंशनिंग की जाएगी और ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि इस मामले में तुरंत सुनवाई की जाए, क्योंकि ईडी ने गिरफ्तारी कर ली है। अब उस गिरफ्तारी को यहां पर चैलेंज किया गया है और आम आदमी पार्टी के वकीलों की तरफ से यह कोशिश होगी, अभिषेक मनु सिंघवी और उनकी टीम की तरफ से यह कोशिश होगी कि किसी तरीके का रिलीफ यहां से मिल जाए, और उनकी यह कोशिश होगी कि सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुने, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है, क्योंकि हाईकोर्ट के पास भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर होती है। बिल्कुल बड़ी खबर बता दें, जैसा कि विक्रांत बता रहे कुछ देर में सुनवाई होगी, लेकिन इस वक्त जो इंपॉर्टेंट खबर आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, और एक आखिरी उम्मीद, राहत की उम्मीद, आशा की किरण जो आ रही है आम आदमी पार्टी को, वो सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। और अब जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल के वकील इस वक्त अब पहुंच चुके हैं CJI की कोर्ट में, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं अरविंद केजरीवाल के वकील। विक्रांत यादव हमारे साथ, विक्रांत जो इंफॉर्मेशन आ रही है वकील पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट। देखिए बिल्कुल पंकज, एडवोकेट इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी से जुड़े हुए कई मामलों में पेश हुए हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के गेट में सबसे पहली कोर्ट है, सामने ही आपको दिखाई देगी, वहाँ पर वकीलों की भारी भीड़ भी इस समय लगी हुई है। वहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी अपने टीम के तमाम जूनियर्स के साथ पहुँचे हुए हैं, सादान फराशाद जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं अरविंद केजरीवाल के, वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, और जैसे ही चीफ जस्टिस कोर्ट में आएंगे तुरंत मेंशनिंग की जाएगी। हमें जो जानकारी मिल रही है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ही जिरह करेंगे, वही अदालत के सामने ये कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो गिरफ्तारी गलत हुई है, उसको गैरकानूनी ठहराने की कोशिश की जाएगी यहां पर आम आदमी पार्टी के वकीलों के जरिए। और अब यह कोर्ट के ऊपर होगा कि किस तरीके से इस मामले को कोर्ट देखती है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जब इस तरीके की हाई प्रोफाइल गिरफ्तारियां होती है, उसके जरा मेरा सवाल सुन लीजिएगा विक्रांत। सवाल यह है, चूंकि आपने आम आदमी पार्टी को भी कवर किया है, सुप्रीम कोर्ट भी आप देखते हैं, तो जरा यह बताइए कि यह पहली बार हुआ है कि एक CM जो है वो इस तरह से उसे ईडी ने गिरफ्तार किया हो, तो जेल से सरकार कैसे चलेगी? दूसरा, क्या LG इंटरवीन कर सकते हैं, क्योंकि विशेष सत्र आज कैंसिल किया, स्थगित किया गया है, जो अब 27 को होगा, कैसे साइन होंगे, कैबिनेट कैसे चलेगी? और दूसरा यह कि ऐसी उम्मीद बहुत कम है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ी राहत मिले, क्योंकि हाई कोर्ट जो है उसने ईडी को आदेश दे दिया कि आप अपना काम करिए, गिरफ्तार किया फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल को। देखिए ईडी को कोई आदेश पंकज हाईकोर्ट ने नहीं दिया था, हाईकोर्ट में केवल अरविंद केजरीवाल इंट्रीम रिलीफ लेने गए थे, वो इंट्रीम रिलीफ देने से उनको इनकार कर दिया, लेकिन ईडी की कार्रवाई पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई थी, इसी कारण ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और अरविंद केजरीवाल के पास एक ही मौका था, कल जब उन्हें हाईकोर्ट से कोई इंट्रीम प्रोटेक्शन नहीं मिली थी तो वो सुप्रीम कोर्ट आ जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चूंकि वो आ जाने की प्लानिंग कर रहे थे, जो हमारे पास जानकारी है, पुख्ता जानकारी है, कि अगर ईडी गिरफ्तार नहीं भी करती तो आज इंट्रीम प्रोटेक्शन लिए सुप्रीम कोर्ट में मेंशनिंग की जाती, लेकिन इस बीच चूंकि हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई थी इसलिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और ईडी का एक जो काम है, ईडी क्योंकि उसके पास कोई स्टे नहीं था। और दूसरी बात रही जेल से सरकार चलाने की, पंकज ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इस मामले में कोई क्लैरिटी नहीं है, एकदम शांत है कि जेल से चला सकते हैं नहीं, क्योंकि जिस समय हमारा संविधान बना था शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि इस तरीके की भी स्थिति आएगी कि कोई मुख्यमंत्री
मंत्री जेल में जाएगा और उसके बाद सरकार चलाने के बाद में भी सोचा जाएगा, लेकिन मोरालिटी का सवाल जरूर बनता है, मोरालिटी को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। और दूसरी दिक्कत आएगी टेक्निकलिटी, क्योंकि आपकी पर्सनल राइट जो होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। आप निगाह बनाए रखिए, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर क्या आदेश आता है। हम आपके पास वापस लौटेंगे। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, दौड़ जारी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश करार रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करार दिया है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई है। रात को अंधेरे में उनके घर में ईडी के लोग घुस जाएं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार करके ले जाएं। आज ये बात सच हो गई कि अरविंद केजरीवाल जो दुनिया को और देश को कह रहे थे वो सच था। जब आप 9 समन्स का निरादर करते हैं तो आप विवश करते हैं कि ईडी आपके घर आए, पूछताछ करे और आपको कस्टोडियल इंटरोगेशन के लिए ले जाए। एक ऐसे केस में गिरफ्तार करना जहां पर आज तक ईडी कोर्ट्स के सामने कोई भी सबूत नहीं रख पाई है। अमित राइस कॉलोनी की जनता, दिल्ली में पानी के लिए, साफ पानी के लिए तरसती तड़पती हुई जनता, आखिर उसकी हाय तो लगनी थी। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी, जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया। लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है। कोई सवाल जवाब नहीं थे इनके पास, इनको सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना था, क्योंकि सर पे आम चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें कर रही है मगर अंदर से घबराहट है, नर्वसनेस है। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सतेंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है, कि इस तरीके की हरकतों से चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है। इस पूरी की पूरी सिचुएशन के जिम्मेदार केवल और केवल माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी स्वयं हैं। दिल्ली की जनता को न्याय मिला है। ये भ्रष्टाचार करेंगे और आप जवाब नहीं देंगे और कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे, ये तो नहीं चलेगा ना।